हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल आज चुनावी रुझान के लिए पहुंचा है गौरीकरण 208 भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहां काफ़ी भीड़ भाड़ थी, यहां पर कुछ दुकानें हैं, कुछ जनता यहां खड़ी थी। मैं भी यहां से निकल रहा था, हमने सोचा चलो इनसे भी कुछ रुझान जान लेते हैं किन मुद्दों पर इन लोगों ने वोट किया हुआ है। चाचा आपका क्या नाम है? तो जालौन के। चलो जालौन की बात कर लेते हैं। जालौन में ही प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है ये बताइए आप, किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? में तो योगी बाबा की सरकार, योगी बाबा की। अच्छा, योगी बाबा से कुछ लोग बोल रहे हैं कि परेशानी है क्योंकि जावारा पशु वगैरह बहुत घूम रहा है और महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है, इस पर क्या कहेंगे? योगी बाबा की गाय गाय तो हमारी योगी बाबा पूरे भीड़ है। अच्छा हाँ। हाँ। गाय तो योगी बाबा की दौरा, गाय तो हमारी है गाय। तो फिर परेशानी क्यों बता रही है जनता? परेशानी हमसे आपको है, आपसे इनसे, इनकी उनसे है। अच्छा हाँ। ये है हाँ, योगी बाबा से नहीं है। अच्छा हाँ। चलो चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा आपकी उम्र कितनी है? चाचा उम्र कितनी है आपकी? 70 की। 70 साल में आपने बहुत बार वोट डाला होगा, पहले के वोट में और आज के वोट में कितना अंतर है ये बताइए डालने के और चुनाव आयोग? YouTube, Facebook, Twitter। अच्छा आप किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए गए हुए थे जब आपने वोट डाला है? तो क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? महंगाई का मुद्दा था या आवारा पशु का मुद्दा था, क्या मुद्दा था? मोदी में डाला है। हाँ। मोदी का चुनाव अभी नहीं है, योगी का बोलो, योगी कांग्रेस सपा बसपा का चुनाव है अभी। अच्छा चाचा आपका क्या नाम है? मेवालाल जी आप बताइए किन मुद्दों पर आप गए थे? आपका अस्पताल का मुद्दा था या महिला सुरक्षा का मुद्दा था, क्या मुद्दे थे या परिवर्तन का मुद्दा था? हमें काम परिवर्तन से मतलब है, आगे बाद लड़का जावे हमसे क्या लेना देना, हम तो गए वोट डाले हैं। चलो ठीक है, चलो अभी इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। आपका क्या नाम है? आप ये बताइए आप किन मुद्दों को लेके गए थे वोट डालने के लिए? आपके पास महिला सुरक्षा का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था या आपके पास कुछ नया करने का और कुछ मुद्दा, क्या मुद्दा? जानवर हट गया तो सही मुद्दा है कुछ। जानवर? जानवरों से परेशानी है? क्या परेशानी है बताओ? अरे चर जाते खेतों का, खेत चर जाते हैं रात रात भर आपको खेतों में जाना पड़ता है भाई। अच्छा हाँ, रात दिन रखावत फिर चल जाते, फिर भी चर जाते हैं, अब घर में सोने को नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? बोलो हम कटियार। कटियार जी आप बताइए किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? तो महंगाई बेरोजगारी वोट दिया भैया, इसको हटाना है बिल्कुल, महंगाई को बेरोजगारी को, इसको सरकारे को उखाड़ फेंकना है। सरकार को इतना आपने मूड बना लिया, अकेले दम पे उखाड़ दोगे? अरे क्यों नहीं, प्रदेश की जनता लगी उसके साथ। हाँ? कैसे जरा समझाओ हमें। अरे नौजवान लगा भैया, रोजगार ना ही रोजगार है। हाँ चाचा तो अभी कह रहे कि हमें सरकार अच्छी लग रही है, रोजगार है। चाचा तो बुजुर्ग हो गए उनकी उम्र के दराज के लिए, इसलिए जो उनको योगी बाबा को उनको पसंद आ रहा है। हाँ। नौजवान थोड़ी उनके साथ जाएगा। अच्छा आपको पसंद नहीं है? नहीं, तो परेशानी बताओ हमें क्या है योगी सरकार? परेशानी ना ही नौजवान को कोई रोजगार है जी, ठीक है जी, और ना ही ये मान के चलो कि यहाँ जो है, ये मान के चलो किसान बहुत परेशान है जी, ना ही किसान की मतलब जो है कोई कहीं भी मतलब जाता है, ना कोई मतलब बिचौलिया हर जगह बैठे हैं, किसान का गल्ला न कहीं लिया जाता है न कहीं खरीद फरोख्त है। अच्छा। हर जगह दलाली का सिस्टम। अच्छा। चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? अखिलेश कटियार। कटियार जी आप बताइए आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने गए थे? बटन जब आपकी दब रही थी तो आपके दिल में क्या गूंज रहा था? आवारा पशुओं को भगाने का गूंज रहा था या परिवर्तन का मुद्दा गूंज रहा था या महंगाई महिला सुरक्षा, क्या था? लोकतंत्र यानी मुद्दा आपका था कि संविधान को लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे सरकार परिवर्तन करना है, ये मुद्दा था आपका। आपका क्या नाम? कटियार जी आप बताइए क्या मुद्दे थे आपके? जैसे अभी भाई ने कहा लोकतंत्र को बचाने का, हमें तो ये लगता है ये सरकार में करप्शन कम हो गया। करप्शन तो जो सरकार वर्तमान आपने इसी को आगे बढ़ाना है, ये था आपका मुद्दा। अच्छा आपका भाई साहब क्या था मुद्दा? गुंडागर्दी नहीं होती। अच्छा अगर सरकार आती है तो गुंडागर्दी फिर होगी, गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। अभी सारे गुंडे जेल में हैं, अभी सब सारे गुंडे जेल में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गुंडे सब बाहर घूम रहे, सिर्फ दो ही चार गुंडे जेल में हैं। माफिया लोग अच्छा
छोटे आपका क्या नाम है? हो गया इनका, आपका क्या नाम है? अमित कटियार। आप बताइए कटियार जी, क्या मुद्दे थे आपके दिल में, दिमाग में? मुद्दे यही अत्याचार भ्रष्टाचार, ये तो खत्म है बीजेपी में। अच्छा, यानी सरकार को दोबारा रिपीट दोबारा? अच्छा, दोबारा तो बहुत दूर है, दोबारा। आपका क्या नाम है? अरे हमें तीनों सरकार है, ठीक है, तीनों सरकार है। चलिए चलो बोलो भाई, चलो तो बोलो। अब आपकी जनता कह रही है, आप बताइए आपका नाम क्या है? रमेश दिवाकर। दिवाकर जी, आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे? बीमारी का मुद्दा, जो अपना कोरोना हुआ था उसको लेके आपने डाला कि जनता कितनी परेशान थी या आराम में थी, या लॉकडाउन से आपको अच्छा लगा या खराब लगा, या आपको हॉस्पिटल की सुविधा या महंगाई का मुद्दा क्या था आपके पास? हमें सारी सुविधाएं हैं, हमें सिर्फ प्रत्याशी से सुविधा मिली, हमने उसको वोट कर दिया। यानी आपने अपना स्थानीय नेता को चुना है? नहीं नहीं नहीं, जो आपका प्रत्याशी, यानी प्रत्याशी जो सचान जी प्रत्याशी है उसको मैंने चुना है। अच्छा राकेश भाई, आपने खुल के बता दिया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी वोट दिया। चलो हम ये नहीं पूछ रहे आपसे आपने किसको वोट दिया, ये आपकी मर्जी। अगर आपने बता दिया है, आपने बता दिया है तो हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, अच्छी बात है। तो यानी सरकार को रिपीट करना है? पक्का उधर गई होगा, हो गई हाँ, सरकार तो क्लियर हो गई। अच्छा, क्या बोल रहे भाई? ये बोल रहे सरकार क्लियर हो गई, इस पर क्या कहो? नौजवान, ये क्या बोल रहे? देश का नौजवान बताएगा, 10 तारीख पे तख्ता पलट हो जाएगा, बाबा जी अपने मठ में जाएंगे। बाबा जी मठ में जाएंगे कहाँ? गोरखपुर। बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, यहाँ नौजवानों ने मन बना लिया, मन बना लिया, सरकार बनाएंगे बाबा जी, सरकार बनाएंगे। 501% क्लियर सरकार बन रही है बाबा जी। और ये तो भाई आपके बोल रहे गोरखपुर जाएंगे, क्या होता है? नौजवान जरूरी है कि पूरा उनके साथ में। गौरी करण कानपुर देहात से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन शोहेब के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।